The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइस शाम के 5:30 हो चुके हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा बुआ के घर पे आ रखो, तो यहाँ पे ऊपर आया हूँ छत पे। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सामने से देखने में व्यू। ये देख सकते हो भाई नैनीताल, और ये कितना अच्छा व्यूज दिख रहा है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया होगा कि क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ का। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ना थोड़ा कि नैनीताल मतलब बाहर जाके थोड़ा घूम घाम के आऊँ। अभी दीपू तो सो रहा है, अब पता नहीं क्या हो सकता है कि दीपू जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं देखता हूँ यार, बोलता हूँ उससे नीचे जाके चाय वाय पीता हूँ। 5:30 हो गए, फिर अंधेरा हो जाएगा, हमें पता भी नहीं है यहाँ का क्या सीन है। तो फटाफट दीपू को बोलता हूँ, और दीपू को बोलने के बाद बोलता हूँ कि चल थोड़ा आगे घूम के आते हैं, तो मैं दिखाता हूँ फिर आपको आगे का सीन। मुझे दिखाई नहीं कि भयंकर मेरे पीछे पहाड़ भी दिख रहा है। मैं तो बोलना ही भूल गया भाई, पीछे देख रहा हूँ पहाड़, क्या गजब लग रहा है भाई, एक नंबर यार, जन्नत है वैसे हमारे उत्तराखंड में, और मज़ा आता है यहाँ पे आने में। तो देख सकते हो पीछे क्या मस्त पहाड़ दिख रहा है। तो मैं जल्दी से जल्दी नीचे जाता हूँ, बोलता हूँ दीपू से कि चल यार चल घूम के आते थोड़ा। No rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And रोडवेज भी गई थी, तो देखते चलो ऊपर चलते थोड़ा। आ चुके थे, मैंने कहा कि थोड़ा रुक जाते हैं आगे, और दीपू मैं आगे हैं भीमताल। यहाँ से कुल 9-10 किलोमीटर ही है बस, हम जल्दी जल्दी में आगे आगे। देखो जो ये पुल पड़ता है ना गाइस, ये तो देखा होगा आपने, ये देख सकते हो, ये देखो ये वाला जो पुल आता है ना, तो यहीं से देखो सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो बस जस्ट यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से कुछ थोड़ा और है जो भीमताल और नैनीताल को ऊपर को रोड जाती है ना गाइस, वो वाली रोड से पार से नीचे से हम इस पुल को आगे, ये पीछे दिख रहा होगा आपको मुझे मेरा पुल, तो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये खड़ी अपनी बीस्ट, ये देखो भाई क्या खतरनाक व्यू उत्तराखंड, और ये देखो पीछे का, ये आ रही है ना पर्सनैलिटी गाइस। गाइस घर पे बोला था कि बहन का भी आ रहे बस बाहर से ही, और इतनी दूर आ चुके हैं यार। अब दीपू कह रहा है कि और बहुत आगे 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 हैं बेमतलब में, तो ऐसा यार करते हैं फटाफट यहाँ निकलते हैं। और भाई ठंड भी ज्यादा लग रही है आगे को, तो ऐसा करते हैं फटाफट निकलते हैं यहाँ। चलो चलो बाकी मैं तुम्हें यहाँ की जगह दिखाऊं, तो ये देखो ये कैसा पहाड़ सा है, ये देखो ये खड़ा दीपू, ये खड़ी अपनी बीस्ट।
ब्रेक। 8 बज गए शाम रात के और अभी भी हम ऐसे घूम रहे जैसे अपने नोएडा में घूम रहे होंगे। तो अभी 8 बज रहे हैं और चल रहे हैं फिर आगे को। मैं अभी आपको कहानी बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ, आगे बताता हूँ। गाइस पानी की टंकी से अंदर आ चुके हैं भाई, अंदर आके अब पहुंचे हैं। ये देखो यहाँ है, यहीं आगे हैं, जस्ट आगे जाके भाई बाइक वाइक खड़ी करते हैं और उसके बाद फिर मिलता हूँ मैं आपको। क्या क्या हुआ था वो बताता हूँ, सारी चीज़ें। ओ भाई डिपर मार के, ओ भाई घर के एंड में ये रही अपनी दूसरी बाइक, ये रही गाइस। गाइज रात के 12 बज गए हैं तो हमारे साथ जो हुआ वो मैंने आपको नहीं बताया कि हमारे साथ क्या हुआ। वो ना क्या हुआ, पीछे के बाइक का जो डिस्पैड होती है ना वो ख़राब हो चुकी थी। दिल्ली से तो अच्छी आ रही थी क्योंकि हम गए यहाँ से भीमताल के आगे जो आपको व्यू दिखाया था वहाँ तक गए। जो आते टाइम आए ना तो उसमें आवाज़ बहुत बेकार आने लगी, टायर में बहुत ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ पे हल्द्वानी में हम पहले घर आए, फिर घर जाके हमने पूछा घर पे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर इसके बाद ने बोला कि ऐसा कर लो दिखा के आ जाओ। तो फिर दीपू में गए थे वहाँ पे, तो हम यहाँ तिकोना नाम से एक जगह है हल्द्वानी में काठूधाम से आगे, तो वहाँ पे गए। वहाँ पे जाके हमने चेंज करवाया, पहले तो मिला नहीं, फिर मिल के फिर उसे चेंज करवाया। फिर चेंज करवा के फिर अभी आए घर, 8 बजे तक आ गए थे घर। और उसके बाद फिर खाना वाना खाया तो अभी सो गए। तो कल सुबह नीम करोली जाना है ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।